लास्ट मेड्यूल में हमने बात की क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च की और अब हम बात करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्वे रिसर्च लॉन्गिट्यूडनल सर्वे रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च इन विच वी स्टडी द ग्रुप ऑफ पीपल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट मीन्स दैट वी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द पीपल मोर देन वन टाइम दिस टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च इज यूजफुल टू अब्जर्व बिहेवरियल एंड सोशल चेंज अमंग दीपल के उनकी जो है करेक्टरिस्टिक्स उनकी बिहेवरियल जो प्रैक्टिस हैं वो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम चेंज हो रही हैं तो इसको जब हमने हमारा फोकस हो तो हम फिर लॉन्गिट्यूडल सर्वेस कंडक्ट करते हैं आ, अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो लॉन्गी सर्वे है इट्स एन एफेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन टू मईर बिहेवियल चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसा कि अगर हम देखें पोलिटिकल पार्टिसपेशन अगर आपने स्टडी करनी है इन पाकिस्तानी सोसाइटी और आप इंटरेस्टेड हैं कि पिछले जो है दस सालों में क्या पोलिटिकल पार्टिसपेशन में चेंज आया तो उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए जो मोस्ट uh, सूटबल जो आपके पास रिसर्च डिज़ाइन है क्वानिटेटिव रिसर्च मैथड में वो लॉन्गिट्यूडनल सरपे है तो इस uh, की एक करेक्टरिस्टिक ये है इस डिज़ाइन की कि इसकी बेसिस पे हम काज़ल uh, जो इंफ्रेंसिस हैं वो ड्रा कर सकते हैं और उनको जनरलाइज कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं कि जो डिफरेंट ओवर टाइम स्पेसेस थे आपके स्टडी में वहाँ पे कैसे जो है एक आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है और उसकी बेसिस पे डिड्यूस कर सकते हैं कि जो आपने रिलेशनशिप चेक किया है वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है और इस डिज़ाइन uh, में आप अमाउंट ऑफ चेंज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम किसी भी बिहेवियर में कितना चेंज आया है इसकी दो टाइप्स हैं पैनल लॉन्गील सर्वे एंड कोहट लॉन्गिट्यूडनल सर्वे पैनल लॉन्गील सर्वे में है uh, जो है सेम पीपल रहते हैं जिनको आप स्टडी करते हैं फॉर इंस्टेंस एक जो ग्रुप है आपने उसको 2020 में उनसे डाटा कलेक्ट किया फिर 2022 में लिया और आप 2024 में आप जाके उनसे फिर डाटा कलेक्ट करेंगे सिमिलर रिस्पोंडेंट से तो जब आप ऐसी स्टडी कर रहे हैं तो इसको कहते हैं पैनल लॉन्गिट्यूडनल सर्वे और दूसरा है कोहट लॉन्गिट्यूडनल सर्वे जिसमें आपके प, जो है पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स तो सिमिलर रहती हैं पर मगर जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं वो बदल जाते हैं तो इसमें ये नेसेसरी नहीं होता कि आप एग्जैक्ट उसी रिस्पोंडेंट्स के पास दोबारा जाएं डेटा कलेक्शन के लिए वो चेंज हो जाते हैं मगर उनकी जो सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर रहती हैं जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं पोलिटिकल पार्टिसिपेशन अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन लाहौर तो आप जो है जो यूनिवर्सिटीज़ आपने पहले सेलेक्ट की थी वही रहेंगी उनमें से जो उस वक्त वहाँ पे इनोल्व थे उनको आपने स्टडी कर लिया फिर दो साल बाद जब वो आप गए तो वहाँ पे उस टाइम जो स्टूडेंट्स इन्वोल्व थे आपने उनको दोबारा स्टडी कर लिया तो इसमें जब हम ये डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं कोहट लॉन्गिट्यूडनल सर्वे